नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। एक साल तक, यानी आप ये मान के चलिए आज से एक साल तक राहु की विशेष कृपा कुछ राशियों पर रहेगी और अगले एक साल तक इनको प्रमोशन मिलेगा, नौकरी में पैसा बढ़ेगा, तरक्की होगी, नौकरी में और अच्छे सपने पूरे होंगे, व्यवसाय अच्छा चलेगा, राजनीतिक जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। यानी आपके जो आधे अधूरे सपने हैं वो अगले एक साल तक राहु हर हाल में पूरे कर देंगे। राहु और केतु को ज्योतिष में छाया ग्रह माना जाता है और ये ग्रह एक राक्षस के शरीर से जन्मे हैं। राक्षस के सिर वाला भाग राहु कहलाता है और धड़ वाला भाग केतु कहलाता है। ज्योतिष में राहु को चमत्कारी रहस्यवादी ग्रह कहते हैं। ज्योतिष में जब भी राहु और केतु का जिक्र होता है तो डर सा लगने लगता है। राहु और केतु का नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि अब बुरा वक्त आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है। राहु बहुत अच्छे ग्रह हैं, ये लाभ देते हैं, राजा बनाते हैं, धार्मिक यात्राएं कराते हैं और राहु जब बढ़िया होते हैं तो जिंदगी को सुधार देते हैं। तो बेहद ही धीमी गति से चलते हैं राहु और ग्रहों के गोचर काल में, यानी एक राशि से दूसरी राशि में जाने में लगभग इन्हें 1.5 साल का वक्त लग जाता है और हमेशा वक्री चाल चलते हैं, यानी उल्टी चाल चलते हैं, यानी पीछे की तरफ चलते हैं। धीमी चाल होने की वजह से इन्हें 1.5 साल लग जाता है अपनी एक राशि से दूसरी राशि में जाने में। और अप्रैल के महीने में, जैसा कि आप जानते हैं, राहु मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं, तो अब से आपको एक साल तक बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। यानी कि जून के महीने से लेके जून 2022 से लेकर जून 2023 तक आपको शुभ परिणाम मिलने वाले हैं और आप देखेंगे कि आपकी तरक्की होती चली जाएगी। तो कुछ विशेष राशियों की हम यहाँ पर बात करेंगे जिस पर राहु ग्रह की मेहरबानी होगी। राहु इन राशियों को विशेष रूप से तरक्की, धन दौलत, पैसा देगा और ज़िंदगी में वो सुख देगा जो वो चाहते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूँ अपने सभी प्रिय दर्शकों का। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें जरूर फॉलो करें। आइए शुभारंभ करते हैं। वो पहली लकी राशि है वृषभ राशि। राहु का गोचर वृषभ राशि वालों के लिए तरक्की के वो दरवाजे खोलेगा जो अभी तक पिछले 1.5 साल से बंद थे। इस दौरान आपको देश दुनिया में तो लाभ होगा ही होगा, विदेश से भी आप अच्छा लाभ प्राप्त कर पाएंगे। विदेश जाना चाहते हैं घूमने के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, अच्छा वक्त है, अप्लाई करिए, इस साल में काम बन जाएंगे। नौकरी करने वालों को प्रमोशन मिल सकता है, अच्छा इंक्रीमेंट मिल सकता है। इसके अलावा जो लोग राजनीति में जाने की इच्छा रखते हैं, राजनीति में पहले से हैं और कोई मंत्री पद या बड़ा पद चाहते हैं तो उसके लिए भी अच्छे दावेदार होंगे। बेहद ही शानदार समय है, आपके वो सपने पूरे होंगे जिन सपनों को पूरा करने के लिए आप बड़े दिनों से आंखें गड़ो कर बैठे थे। छात्र छात्राओं को भी पढ़ाई लिखाई में वही सफलता मिलेगी जो वो चाहते थे, अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त कर पाएंगे। दूसरी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए जो राहु है वो अगले एक साल तक मेहरबानी 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 दे रहे हैं। इस दौरान नौकरी पेशा लोगों को कोई बड़ा पद मिल सकता है, नौकरी की तलाश खत्म हो सकती है, नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो अब यहीं पर आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे या नई बहुत ही अच्छी नौकरी मिल जाएगी। आपको बहुत बड़ा धन लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आप नौकरी छोड़कर बिजनेस में जा सकते हैं, निवेश कर सकते हैं, पैसे का इन्वेस्टमेंट करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। नया घर, नई गाड़ी, नया बंगला, नया फ़ोन, नया कंप्यूटर इत्यादि खरीद सकते हैं। आपके कदम अब आगे बढ़ने वाले हैं, रुकने वाले नहीं हैं। अब आप कमाते जाएंगे, दुनिया देखती जाएगी और आप जो अभी तक पिछले 1.5 सालों में झटके खाए हैं, जो परेशानियां झेली हैं, वो भी अब नहीं आपको झेलनी पड़ेगी। और तीसरी वो राशि है वो है मिथुन राशि। राहु का जो गोचर है जो सबसे ज़्यादा आपको फायदा देगा वो मिथुन राशि को ही देगा, क्योंकि 11वें भाव में राहु बैठेंगे और 11वें भाव में कोई भी ग्रह बैठा हो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है। तो मिथुन राशि भी इसी लाभ की राशि में शामिल है। इस राशि के जीवन जातकों के जीवन में पढ़ाई लिखाई अच्छी हो जाएगी, करियर बहुत अच्छा हो जाएगा, आर्थिक जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा, पैसे की आवाजाही बहुत अच्छी हो जाएगी और बहुत ही अच्छा है। राहु आपके लिए अनेक सफलताएं लेकर आ रहे हैं। आर्थिक स्थिति पहले से ज़्यादा मजबूत होगी, आपकी छवि सुधरेगी, इमेज सुधरेगी और कई अन्य माध्यम से आपको धन तो मिल ही जाएगा। पैसे की चिंता मत करिएगा, छात्रों व्यापारियों का भी आपको ध्यान देना होगा, उनके साथ भी आपको मिल बैठकर कदम आगे बढ़ाने होंगे, तभी आपको राहु की कृपा मिलने वाली है। कुल मिलाकर आप कोई बड़ा पद भी प्राप्त कर सकते हैं और आगे जाकर
और अच्छी तरक्की भी कर सकते हैं। तो ऐसे में कुल दीपक मिथुन जातक के जीवन में तरक्की के लिए तैयार है। तो ये थी वो तीन राशियां वृषभ, कर्क और मिथुन राशि, जिनके जीवन में राहु अगले एक साल तक वो लाभ देंगे जो आप सोच भी नहीं सकते थे। तो आप लोगों को करना क्या है, हनुमान जी की उपासना करते रहना है और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहना है और ईश्वर पर विश्वास रखना है, आपका मंगल ही मंगल होगा। तो अगले एक साल तक कभी भी आपके पास कोई कॉल आती है तो उसको अटेंड करिएगा, ताकि आप वो जो कॉल है हो सकता है कि आपके लिए बहुत बेहतरीन कॉल हो। आपके पास कोई लेटर आता है, कोई ईमेल आती है तो उसे खोल के देखिएगा, हो सकता है उसी में किस्मत की कोई खुशियों की चाबी छुपी हुई हो। यानी हमें चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है, चीज़ें जो आती हैं उसे खोल कर देखना है, अगर हो सकता है उसी में आपका कोई इनाम हो, कोई लेटर हो जिससे आपकी बात बन जाए। तो इसीलिए कहा जाता है जल्दबाजी मत दिखाइएगा, सोच समझ कर फैसले लीजिएगा और खुश रहिएगा, आनंद में रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। और इन तीन राशि वाले जो हैं इनको क्या कहते हैं वृषभ, कर्क और मिथुन, इनको विशेष लाभ होने वाला है। तो आप लोग बाकी राशि वाले जो भी लोग हैं ना जो देख रहे हैं, वृषभ, कर्क और मिथुन राशि वालों से पार्टी ले सकते हैं, क्योंकि इनके दिन तो अब निश्चित तौर पर बदल ही जाएंगे। हरिओम, नमस्कार।